स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू फॉलोड बाय एलसी डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स और क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बोथ एक और स्कीम है, फ्लो चार्ट है, जिसमें जो प्रीवियसली से ही लिंक्ड है ऑलमोस्ट, जिसमें प्रोटीन मिक्स है, जिसमें मल्टीपल टाइप के पेप्टाइड सीक्वेंसेस हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाएगा विद प्रोटीज एंजाइम ट्रिप्सिन और एट एलिवेटेड पीएच कंडीशंस। और ये डिफरेंट पेप्टाइड्स के सिक्वेंसेज हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिनको फ्रैक्शनेट किया जाएगा बाय एचपीएलसी डिपेंडिंग ऑन द टाइम के किस किस कितने इंटरवल्स के बाद कौन सी फ्रैक्शन हमें ऑब्टेन हो रही है डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेटिव अबंडेंस, जिसको फर्दर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा फर्दर, मेकिंग इट मोर क्वालिटेटिव टूवर्ड्स कम क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। लेकिन क्वान्टिटेटिव प्रोटियोमिक्स के लिए ज़रूरी है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बिकॉज इट्स नॉट क्वान्टिटेटिव इनहेरेंटली क्वान्टिटेटिव टेक्निक, क्योंकि इसमें कंसिडरेबल लॉस ऑफ पेप्टाइड्स और आइंस होता है ड्यूरिंग एनालिसिस, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेप्टाइड्स या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को किसी हद तक डीनेचर डिग्रेड भी कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसलिए दैट इज़ नॉट इनहेरेंटली क्वांटिटेटिव फॉर द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मेनली। इसलिए पेप्टाइड लेबल्स और स्टैंडर्ड्स आर पहले एनालाइज्ड विद द सैंपल एंड एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट फॉर बोथ रिलेटिव और एब्सोल्यूट एनालाइज क्वांटिटेशन। क्या होता है कि फिर इसमें डिफरेंट पेप्टाइड्स को लेबल किया जाता है और पैरेलल एनालिसिस चलाए जाते हैं पेप्टाइड लेबल्स के, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का, लेट सपोज आपका पेप्टाइड है उसके और उसी के स्टैंडर्ड के, ताकि विच विल सर्व एज रेफरेंस पॉइंट और इसकी डिटेक्शन क्वांटिटेटिवली ताकि कंफर्म हो सके किसी भी एनालाइट की, एनालाइट पेप्टाइड की इन दिस केस, इन केस ऑफ प्रोटियोमिक्स। कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर नाउ अवेलेबल दैट अलाउ द डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स इन अ सिंगल रिएक्शन, डेमॉन्स्ट्रेटिंग द हाई थ्रोपुट एंड ग्लोबल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म दैट एमएस हैज़ बिकम इन द फील्ड ऑफ प्रोटियोमिक्स। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए मल्टीपल ऐसे कहते हैं कि क्वांटिटेशन के मेथड्स अवेलेबल हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री को प्रोटियोमिक्स की फील्ड में एक क्वांटिटेटिव टेक्निक कहलाने के लायक बनाते हैं। इसमें रिलेटिव क्वांटिटेशन होती है, जिसमें प्रोटीन्स पेप्टाइड्स को लेबल किया जाता है स्टेबल आइसोटोप्स के साथ, और जिनके साथ जिसकी वजह से आइसोटोप्स की वजह से डिस्टिंक्ट मास शिफ्ट्स मिलती हैं रेदर देन द अनलेबल एनालाइज। लेट सपोज अगर वहाँ पे आपके पास सैंपल्स में पेप्टाइड चेन में ALA लाइक एलनिन है, लाइसिन है, और फिर अगेन एलनिन, इस तरह का कम्बिनेशन है, और अगर आइसोटोपिकली आप इसको टैग कर देंगे आइसोटोपिक किसी भी कंपाउंड के साथ कार्बन कहीं पे ऐड कर देंगे तो इसका मास उतना ही शिफ्ट देगा, अदरवाइज अगर कहीं सिंपल ALA स्टैंडर्ड भी कहीं है तो वो शिफ्ट नहीं आएगा, डिस्प्ले में नहीं होगा। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव प्रोटियोमिक्स अलोंग विद MS ये अकम्प्लिश या अचीव किया जाता है। दिस मास डिफरेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय MS एंड प्रोवाइड्स अ रेशियो ऑफ द अनलेबल्ड टू लेबल्ड एनालाइट लेवल्स। दीज अप्रोचेज आर ऑफन यूज इन डिस्कवरी प्रोटियोमिक्स, जिसमें डिफरेंट पेप्टाइड्स, न्यू पेप्टाइड्स को आपने कैप्चर करना होता है या उनको डिस्कवर करना होता है जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाई नहीं होते। वेयर मैनी प्रोटीन्स आर आइडेंटिफाइड अक्रॉस अ ब्रॉड डायनेमिक रेंज यूजिंग डिफरेंट साइज लेबल्स, हैवी और लाइट लेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेट सपोज कि समटाइम्स C13 यूज़ हो रहा है, या समटाइम्स प्रोटीन ड्यूटेरियम यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट क्वांटिटेशन इज परफॉर्म्ड इन टारगेटेड प्रोटियोमिक एक्सपेरिमेंट्स एंड इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्शन फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट एनालाइट्स। एब्सोल्यूट क्वांटिटेशन भी परफॉर्म होती है
जिसमें सेंसिटिविटी ऑफ डिटेक्शन को इंक्रीज करना ज़रूरी हो और लिमिटेड नंबर ऑफ टारगेट एनालाइट्स अवेलेबल हों उस केस में। तो देखते हैं कि आई कैट फर्दर एग्जांपल है क्वांटिटेटिव प्रोटियोमिक्स की, ये किस तरह से अचीव होती है, इसको डिटेल में अभी देख